एक बुजुर्ग थे तो वो कुएं पे पानी भरने गए तो एक खातून भी मटके में पानी भर के जाने लगी तो थोड़ा कीचड़ था वाहल था तो उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि जरा ध्यान से ना फिसल जाए तो उस खातून ने घड़ा रख दिया और उस आलिम से मुखातब होके कहने लगी कि मैं अगर फिसल जाऊंगी तो क्या होगा घड़ा टूट जाएगा दो आने का बाजार से और ले आऊंगी लेकिन हजरत अगर आप फिसल गए तो कुछ नहीं बचेगा आलिम का फिसलना आलम का फिसलना एक जहान का फिसलना है हजरत उम्र रजी अल्लाह ने फरमाया तीन चीजें इस्लाम की इमारत को ढा देती पहली चीज जल्ला आलिम आलिम का फिसल जाना जब आलिम फिसलता है तो मुआशरा फिसलता है अब्दुल्ला बिल मोताज़ ने कहा कि आलिम के फिसलने की मिसाल कश्ती के अंदर टूट पैदा हो जाना इंकसार पैदा हो जाना सुराख हो जाना है चूँकि कश्ती के अंदर जब सुराख होता है तो फिर कश्ती भी डूबती है और कश्ती के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं वो भी डूब जाते हैं तो आलम जब ख़राब होता है तो वो ख़ुद भी बर्बाद होता है और उसके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हैं हज़ारों हैं या लाखों हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं दूसरी चीज़ वजिदालमुनाफिक बिल किताब और मुनाफिक शख्स का किताबुल्ला को लेके झगड़े शुरू कर देना मुनाफिकीन जिनके अंदर निफाक भरा हुआ है वो मुफसर बन जाएं, वो कुरान लेके बैठ जाएं, और लोग उनके फॉलोअर बन जाएं, और वो लोगों को गुमराह कर रहे हो जब किसी कौम के अंदर मुनाफिक मंबर महराब के मालिक बन जाते हैं और वो कुरान से लेकर मुजादले कर रहे होते तो कौमें बर्बाद हो जाती और आज आप देख लें आज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे मकरू लोग बैठे हुए हैं जो कौमों के अंदर बिगाड़ और तफरीक की बदकारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और कौमें बर्बाद हो रही हैं अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में फमाए लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी बातें ऐसी हैं कि तुम्हारे दिल को लगें कि वाह वाह क्या बात कर रहा है लेकिन वो वह खिसाम हैं वो इंतहाई लोगों के अंदर फसाद बरपा करने वाले लोगों के अंदर शर पैदा करने वाले फरमाया तुम ऐसे लोग देखोगे कुर्ब क़्यामत में कि वो पिछले गुजरे हुए लोगों पर लानत करेंगे वो कहेंगे जो दीन हमें समझ आया है वही दीन है माजी के अंदर बड़े बड़े मुहदस फ़कीर और बड़े बड़े बुजुर्ग वो कहेंगे वो उनको क्या पता था दीन कि तो समझे में आई और आज हम देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे जैसा तो कोई ज़माने में है ही नहीं दीन का तो फहम ही हमें मिला है माजी में तो सारे लच्छे बेचते थे उन्हें क्या पता था दीन क्या है और बुजुर्गों की पगड़ियाँ उछाली जाने लगी तो कहा कि दूसरी चीज़ जो इस्लाम को गिरा देगी वो जिदालुल मुनाफिक बिल किताब मुनाफिक के हाथों में किताबें आ जाएंगी और वो किताबुल्ला को ले के कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के लोगों को गुमराह कर रहे होंगे तीसरी चीज़ व हुक्म आइमतुलमुद्लिन उन लोगों के हाथ के अंदर इकतदार आ जाएगा उन लोगों के हाथ के अंदर कुव्वत नाफिजा आ जाएगी जो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे जब ये तीन चीजें हो जाए हज़रत उमर ने फरमाया तो इस्लाम की अमारधा दी जाएगी जब फतवे हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक दिए जाएंगे और वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फतवे का मैार तय करेंगे तो फिर नतीजा वही होगा जो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का हो गया और आज इस्लाम दुनिया के ऊपर गरीबुल वतन है ऐसा वतन कोई नहीं है जैसा वतन इस्लाम है छप्पन सतावन इस्लामी मुल्कों के अंदर भी इस्लाम को कहीं जाए पना नहीं मिल रही ਅਜਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਂਗ ਯਤੀਮਾ ਕਰ ਕਰ ਤੱਕੇ ਖਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵੇ